इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उनमें एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वो पड़ोस की औरतों को इकट्ठा की। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। सी थम्पड द सैगिंग सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, कद की वो टूटे हुए ढोलक की ढीली खाल को पीटी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धाओं के घर वापस आने पर गाए जाने वाले गीतों को गाई। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, तो कहते हैं कि हमें उन्हें थकावट को टालने के लिए रोकने का आग्रह करना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट सी डिड नॉट प्रे, करें कि यह पहला समय था जहाँ तक मैं उनको जानता था। यह पहला समय था जहाँ तक मैं उनको जानता था दैट की सी डिड नॉट प्रे, वो प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, वह बीमार पड़ गई। इट वॉज इस माइल्ड फीवर, इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया कि इट वुड गो, यह जल्द ही चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ कुछ अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस, वो हमसे बोली, वो हमें बताई कि हर एंड वॉज नियर, वह हमें बताई कि उसका अंत अब नज़दीक था। सी सेड दैट, उसने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन के अंतिम पाठ के समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ही सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, करें कि वो अब और अधिक समय हमारे साथ बात करने में नष्ट नहीं करने जा रही थी। वी प्रोटेस्टेड बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्टेड, करें कि हमने मना किया। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे मना करने पर को इनकार कर दिया, अनदेखा कर दिया, उसकी उपेक्षा की। सी ले पीसफुल्ली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वह शांतिपूर्वक बेड पर बैठी रहीं, पड़ी रहीं, प्रार्थना करती रहीं और अपनी माला को जपती रहीं। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमारे संदेह करने से पहले ही, कि मतलब हम उन पे संदेह कर पाते उससे पहले ही, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उनके होंठ चलना बंद हो गए थे। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी माला उनके निर्जीव अंगुलियों से गिर गई। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू, और हम जान गए दैट की सी वॉज डेड, की वो मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, करें कि वी लिफ्टेड हर ऑफ, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। एंड एज इट कस्टमरी, जैसे कि परंपरा के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार, जैसा कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। जैसा कहा जाता है कि अगर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे बिस्तर पर से नीचे ज़मीन पर लिटा दिया जाता है, तो उसे भी उस तरह से किया गया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, मतलब कफन, और उन्हें एक लाल कफन से ढक दिया गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉरिंग, मतलब होता है बिलाप करना। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉरिंग, कुछ घंटे बिलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, हम उनका दाह संस्कार करने के इंतजाम करने के लिए हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। मतलब हमने उनका दाह संस्कार, उनके दाह संस्कार का इंतजाम करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, वी
क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमटेड। कह रहे हैं कि शाम को हम एक साध शरणार्थी के साथ उनका दाह संस्कार करने ले जाने के लिए उनके कमरे में गए। फिर क्या, इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, मतलब हम उनके कमरे में गए विथ ए क्रूड स्ट्रेचर। एक कहते हैं कि ये साध शरणार्थी होती है जिसपे मृतक को लिया जाता है, साध शरणार्थी टू टेक हर टू बी क्रिमटेड, उन्हें ले जाने के लिए, उनका दाह संस्कार करने के लिए ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग हेड एंड हैड लिट हर रूम, सूर्य अस्त हो रहा था एंड हैड लिट हर रूम एंड बरांदा विथ ए ब्लेज ऑफ द गोल्डन लाइट। करें कि सूर्य अस्त हो रहा था और उसने उनके कमरे तथा बरामदे को सुनहरे प्रकाश से चमका दिया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधा दूरी तय करने के बाद रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टीप रैप्ड इन द रेड श्राउड। करें कि ऑल ओवर द बरामदा, मतलब बरामदे में हर जगह, सभी जगह, बरामदे में सभी जगह और उनके कमरे में, ठीक वहाँ तक जहाँ वह मृतक पड़ी हुई तथा लाल कफन से ढकी हुई पड़ी थी। थाउजेंड ऑफ स्पैरो सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, करें कि हजारों चिड़ियाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी थी। देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई चहचहट नहीं थी। वी फील्ड सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम उन पक्षियों के लिए, मतलब बहुत दुखी थे, हमें उन पक्षियों के लिए बड़ा अफसोस था। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उन पक्षियों के लिए, मतलब उनके लिए कुछ रोटी लाई। सी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, मतलब टुकड़े, और वह उन रोटियों को टुकड़े में बांटी। सी द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और वह उनके सामने इसे फेंक दी। सी द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, करें कि उन चिड़ियों ने उस रोटी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, लेकिन जब हम मेरी दादी माँ की लाश को ले गए तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो शांति से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्विफ्ट द ब्रेड क्रम्स इंटू द डस्टबिन, अगली सुबह सफाई करने वाला उन रोटियों को उठाया, रोटी के टुकड़ों को उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। तो